हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ से करेंगे स्टार्ट। एक प्यारी सी स्माइल कर दो, प्यारी सी स्माइल के साथ स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, वो क्या है, प्राइम नंबर। हर एक स्टूडेंट को आता होगा। यदि आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें इसको बिना लिखे कि प्राइम नंबर होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो अब यदि आपको पता चल चुका है तो ध्यान से देखना। हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि ग्रेटर देन वन की बात करे। हर एक स्टेप बहुत ध्यान से करेंगे, नंबर थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है बट लॉजिकली एट द सेम टाइम। सो एनी पॉजिटिव इंटीजर जो भी वन से बड़ा होगा इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज नो प्रॉपर डिवाइजर। अब प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, आपके पास आपका कोई भी नंबर, लाइक आप बी के डिवाइजर देखना चाहते हैं और एक आपका नंबर, यदि ए को हम बी का प्रॉपर डिवाइजर तब कहेंगे जब आपका ए लेस देन बी एंड ग्रेटर देन वन हो। ऐसा एक नंबर ए जो वन से बड़ा और उस नंबर बी से छोटा, और साथ में ए आपका बी को डिवाइड कर रहा है, तो इस ए को हम बोलेंगे प्रॉपर डिवाइजर ऑफ बी। लेकिन इस केस के अंदर, प्राइम नंबर के अंदर, आपके पास कोई भी प्रॉपर डिवाइजर नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास ओनली टू डिवाइजर रहेंगे जो कि इम्प्रॉपर होंगे। एक तो आपका वन होगा, एक आपका बी होगा, ठीक है। सो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। या फिर जो सेकंड डेफिनेशन आती है आपके पास कि एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन, आप वन के से बड़े के लिए हम बात कर रहे हैं, कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली टू डिवाइजर्स वन एंड इट्सेल्फ। तो जैसे आपको पता ही है, ठीक है। अब उसके बाद कॉम्पोजिट क्या होते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन विच इज नॉट प्राइम नंबर इज कॉल्ड ए कॉम्पोजिट नंबर। जैस जो आप सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्या इट इज वैलिड फॉर एवरी नंबर? नो नो, इट इज ओनली एलिजिबल वेन एवर वी आर सेइंग दैट वन नंबर्स आर ग्रेटर देन वन। वन के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं रहती। वन को आप छोड़कर उसके बाद जितने भी आपके प्राइम नंबर आते हैं, यदि आपके पास दो ही सेट बनते हैं, आइदर प्राइम सेट नंबर्स होंगे या फिर कॉम्पोजिट। सो वन को हमने एक कैटेगरी से बाहर निकाल दिया, जो बाकी सारे नंबर हमारे पास बच जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जिनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। उन नंबर्स के अंदर एक तो आपका प्राइम नंबर्स होंगे जो जिनके सिर्फ टू ही डिवाइजर्स होते हैं, वन एंड इट सेल्फ होते हैं। यदि आप प्राइम नंबर को छोड़ देते तो जो बाकी हमारे पास बच जाएंगे, दोज हैव मोर देन टू फैक्टर्स, दोज मोर हैव दोज विच हैव एग्जैक्टली प्रॉपर डिवाइजर, जिनके पास प्रॉपर डिवाइजर रहेंगे। लाइक आप यदि फोर की बात करें तो इसका प्रॉपर डिवाइजर टू आता है, सिक्स की बात करेंगे इसका प्रॉपर डिवाइजर टू होता है जो सिक्स को डिवाइड करते हैं, थ्री भी होता है, एट के भी प्रॉपर डिवाइजर आते हैं। तो दीज आर नोन एज अ कंपोजिट नंबर। तो इस बिहाव पर यदि हम सोचें तो हम नेचुरल नंबर को थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज यूनिटी, तो वन एक एक्सेप्शनल केस होता है प्यारे स्टूडेंट, उनको आप एक कैटेगरी के अंदर रखेंगे, जो बाकी आपके पास प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, प्राइम नंबर्स रहते हैं, और जो लेफ्ट रहते हैं वो आपके पास कंपोजिट नंबर रहते हैं। तो ध्यान देना, वन आपका नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर रहता है, टू आपके पास एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है एंड इज द ओनली प्राइम नंबर है, इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके बिना कोई भी इवन नंबर आपका प्राइम नहीं होगा। सो दिस इज द ओनली, सो ये एक अच्छा रिजल्ट है। और उसके बाद एनी नंबर विच इज नॉट प्राइम इज नॉट नेसेसरली कंपोजिट। यहाँ पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि यस द नंबर विच इज नॉट प्राइम इज अ कंपोजिट नंबर, आप क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किन नंबर्स की बात करें हैं। किन नंबर्स मीन कि आप नंबर वन ग्रेटर देन वन की बात करें। यदि आप ग्रेटर देन वन की बात करें देन आपका सही जाएगा, लेकिन यदि आप वन को इंक्लूड करेंगे फिर आपकी स्टेटमेंट वो जहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। तो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है। होप सो आप स्टूडेंट को ये अच्छा लगा होगा, क्या समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक प्यार सी स्माइल कर दो और नीचे वीडियो के नीचे आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को फॉर मोर वीडियोस। अब जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो राज हमारे पास क्या रहेगा, एक आर्टिकल हम करेंगे जहां पर हमारा आर्टिकल फोर है कि फोर इंटीजर्स ए बी सी डी, हमने क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना है कि हमारा जो ए है क्या वो डिवाइड करता है जीरो को, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो हमें जीरो प्रूव करना। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम करा था एक डिविजिबिलिटी टेस्ट करा था, ठीक है। इसके अंदर आपका नंबर बी इज सेड टू बी डिविजिबल बाय एन इंटीजर ए, ए बी को कब डिवाइड करेगा, जब आपके पास एक इंटीजर सी होगा सच दैट वी कैन बी रिटन एज ए सी। मीन जब आपका ए क्या होगा, मल्टीपल ऑफ, मतलब आप लिखोगे कि बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए, आइदर ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, आप इस प्रकार से कहेंगे तो आपका रिजल्ट रहेगा। वही बात हमने जहां पर प्रूव करनी, हमने शो करना है कि ए आपका जीरो को डिवाइड करेगा। तो आप यदि आपका मान लो, जब हम कहते हैं कि हमारा ए बी को डिवाइड करता है, वो तभी करेगा जब आपके पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट आपके पास कोई ना कोई सी होगी बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट आपका बी इज इक्वल टू ए इंटू सी होगा। मीन आपका ए क्या होगा, फैक्टर होना चाहिए। अब जहाँ पर हमने जीरो को डिवाइड करना है ए के साथ, अब जीरो को जब आप डिवाइड करोगे तो अब क्या जीरो को लिख सकते हो,
ए लिख दो, इन टू जीरो कर दो। अब जे जीरो के आपकी सी है, मीन इस केस के अंदर सी आप जीरो यदि कंसिडर कर लेते हो, जहाँ पर ए आपका यदि डिवाइडर है, जहाँ पर डिवाइजर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जे जीरो क्या है, मल्टीपल ऑफ ए, तो देयरफॉर ए डिवाइड करेगा आपका जीरो को, जो आपके सामने आंसर पड़ा है। अब का वन ए को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, वो कैसे करेगा? आपने वन ए को, अब आप ए को लिख सकते हो वन इंटू ए सिंपली, जहाँ पर यदि आपके पास नंबर वन आ रहा है तो जो आपकी लेफ्ट साइड को डिवाइड करेगा, तो जो राइट को भी डिवाइड करेगा, तो ये भी हमारा हो जाता है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या ए ए को डिवाइड करेगा? अरे वाह, क्या ए को डिवाइड करेगा? आपने इस नंबर को देखना जिसको मैं राउंड कर रहा, आपने इसको इधर लिखना है जिसको हमने डिवाइड करना, जहाँ पर आपका ए आ जाएगा, इधर आप वन लिख सकते हो। अब वन क्या होगा जी? मेरा सी हो गया। एवरी टाइम स्टूडेंट्स हमारे पास करेगा एक सी रहेगा जो कि इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो क्या समझ में आ रहा है ना? जहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ, आपने ये जो कर रहे हैं वो बहुत ही आसान है। जो भी नंबर जहाँ पर आएगा जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, वो आपका क्या रहेगा? फैक्टर ऑफ दिस नंबर रहेगा राइट हैंड साइड। तो जी नंबर जितने भी आपके पास रहेंगे भी आपकी राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर है, और लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे एंड ड्यू टू इक्वालिटी ऑफ टू साइड्स वो आपकी राइट साइड को भी डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आप देख ये देख सकते हो ए आपका वन को डिवाइड करेगा इफ एंड ऑल इफ ए आपका प्लस माइनस वन होगा। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, जहां से आपको दिखा देता हूँ। ए यदि आपका वन को डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या होगा? फॉर नॉन इंटीजर, हम इसी बात की बात करें, फॉर नॉन इंटीजर ए बी आर गिवन दैट कि ए हमारा वन को डिवाइड कर रहा। इसका मीनिंग क्या होगा? हमारे पास यदि वन को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई इंटीजर हमारे पास पी होगा, कि वन कैन बी रिटन एज ए इंटू पी। ए डिवाइड कर रहा है वन को, तो वन इज इक्वल टू ए इंटू सम सी की वैल्यू इसने पी रख रखी है यहाँ पर, और हमें क्या यहाँ पर पी निकालना होगा कि पी कैसा, तो पी हमारा वन ओवर ए जहाँ से आ जाएगा, ठीक है, कि पी की वैल्यू इतनी होगी। अब जो पी आपका इंटीजर है तो वन बाई ए आपका क्या बिलोंग करेगा? इंटीजर को, विच इज पॉसिबल इफ एंड ऑनली इफ। अब देखो ध्यान से, हम जब डेफिनेशन करते हैं ना सी की, जहाँ पर जो सी आपके पास आता है वो इंटीजर से अंदर के आना चाहिए। अब हमारे पास तो जो पी आ रहा है वो वन ओवर ए आ रहा है हमारे पास, ए हमारा इंटीजर रहेगा तो वन ओवर ए तो हमारा इंटीजर रहेगा ही नहीं, लेकिन पी आपका होना चाहिए, बिकॉज वन उसमें लिखा है कि यदि ए आपका वन को डिवाइड करेंगे इफ एंड ऑनली इफ, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? पी आपका वन ओवर ए तभी होगा जब आपके पास ए की वैल्यू प्लस वन हो या फिर माइनस वन हो, तभी आप कह सकते हो कि जस्ट पी हमारा कैसा है, वो इंटीजर्स है, ठीक है। पी हमारा कैसा इंटीजर? द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ ए इज प्लस वन और माइनस वन। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास जो ए है वो वन को तभी डिवाइड करेगा जब ए की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? प्लस माइनस वन, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो जी आपका इस केस के अंदर आंसर आ जाएगा। तो इतना आपने कर लेना बेस्ट में। तो जी काफ़ी इजी से रिजल्ट रहते हैं। फिर लास्ट बचा था आपके पास कि यदि ए आपका बी को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली आपका ए बी से छोटा है, जो उसके इक्वली आना चाहिए, मीन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू राजे इसलिए यूज़ करा हुआ है कि आप यदि इस नंबर को डिवाइड करते हो, मान लो आपने कह रहा कि 15 को 3 डिवाइड करा, मीन 3 आपका 15 को डिवाइड करा, तो -3 भी 15 को करेगा, इसका मीनिंग दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू करेगी। तो इसीलिए आप जहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें, पी ए बी को डिवाइड करता है, साथ में बी आपका नॉन जीरो रहेगा, तो दिस इज ओनली पॉसिबल वेन एवर मॉड ऑफ इज लेस इक्वल टू मॉड ऑफ बी। तो वो मैग्नीट्यूड उसका यदि नंबर से छोटा तभी वो डिवाइड कर पाएगा। ये काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। इसका प्रूफ जहाँ पर करा हुआ नेक्स्ट पेज के अंदर, कि एज आपका ए बी को डिवाइड करेगा तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? ए यदि बी को डिवाइड करता है, मैंने इतनी बार समझा दिया, तो तभी डिवाइड कर पाएगा जब हमारा बी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ ए, मीन ए जहां पर रहेगा कोई ना कोई सी आपके पास जहां पर रहेगी उसको उसने पी कर दिया, ठीक है। बी इक्वल टू ए पी हो सकता है। अब दोनों तरफ आपने मॉडल लगा दिया, इज इक्वल टू ए पी का मॉड, जो कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ पी रहता है, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब यहां पर कंडीशन देखो कि हमारे पास क्या है, कि ये कंडीशन में गिवन दी हुई है कि हमारा बी कैसा वो नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। अब बी तो नॉन जीरो है, ए आपके पास डिवाइजर है, जे जीरो हो नहीं सकता, इसका मीनिंग जे भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि पी जीरो हो जाता तो बी जीरो बन जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। हमें गिवन है कि बी आपका नॉन जीरो, तो इसका मीनिंग क्या होगा? आपका पी भी कैसा होगा? नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। यदि पी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो मॉड ऑफ पी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहेगी ऑलवेज, तो जो आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहेगी, है ना। बिकॉज मॉड की बात करो, पी आपका नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन मॉड लेने के बाद तो वो वन से बड़ा ही होगा ना, हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यदि जीरो नहीं होगा तो वो ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू वन, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी। अब करना क्या, हमारे पास यहाँ पर मॉड ए था, इधर मॉड ए, इधर मॉड पी था। अब मॉड ऑफ पी कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू वन,
तुम्हारे पास मोड ऑफ बी कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मीन आप इसको रिप्लेस कर दोगे इस साइन के साथ, और आप इस प्रकार से ले सकते हो कि वन आपके पास क्या लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी। आप इस प्रकार से इधर आपका मोड ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, मोड ऑफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू वन आपके पास चाहिए। इसको हटा रहे हैं ना, इसको हटा रहे तो ये साइन के साथ ये चलेगा, इस साइन के साथ चलेगा, इस साइन के साथ। यदि आप मोड ऑफ साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास ये आ जाएगा कि इधर आपका जी हट जाएगा तो इधर ग्रेटर देन इक्वल टू ए का साइन आ जाएगा, इस प्रकार से कि मोड ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू जे होना चाहिए। तो ये काफ़ी आसान से आर्टिकल, सिंपल सिंपल डेफिनेशन, बिकॉज बेसिक से करना है तो ये करेंगे, छोड़ेंगे नहीं है ना इनको। तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट आपने करना, ध्यान से वो देखो मैं आपको करवाने वाला हूँ कि प्रूव करना है कि यदि आपका ए बी को डिवाइड करता है तो देन ए आपका डिवाइड करेगा बी के को, वेयर के इज एन इंटीजर। जी मैं सारे अभी आपको आपको करवाने वाला हूँ। अब देखो कैसे करना है, कैसे करना है। एग्जाम के अंदर आपका गिवन है कि ए बी को डिवाइड करता है, तो देयर फोर बाई डेफिनेशन आपके पास क्या होगा, देयर फोर बाई डेफिनेशन आप लिखोगे क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट सी होगा बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, उन्होंने के की बात करती, सॉरी राजी ए की बात करती, कोई बात नहीं। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कि यदि ए बी को डिवाइड कर तो ए डिवाइड बी के करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमारा ए बी को करता है तो भाई डेफिनेशन क्या होगा, कोई ना कोई सी एग्जिस्ट करेगा, तो आपके पास क्या होगा, ये बी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ ए होगा, इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। अब ए ता अब ए आपके पास क्या है, बी को डिवाइड कर रही है, यदि ए आपकी बी को डिवाइड करे तो इसके हर एक मल्टीपल को भी करेगी, और जो आप चाहते हैं वो लिख सकते हैं, दोनों तरफ बी के से मल्टीप्लाई कर लो इस प्रकार से, इधर आपका बी के रहेगा, इधर आपका ए, और ये आपका जो सी के है ना, ये आपका इंटीजर ही है, दो इंटीजर है तो इसका मीनिंग उनकी प्रोडक्ट भी इंटीजर होगी, तो उसको आप डी मार्क कर लो, ठीक है। तो ये आपका, इसको हमने डी रख दिया। अब देखो प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ना लेफ्ट, जो हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड है, ये आपका ए फैक्टर है, तो आपकी इस साइड को डिवाइड करेगी, लेकिन ये तो इक्वल टू आपके इधर है तो इसको भी डिवाइड करेगा, तो विच इम्प्लाइज आपका ए क्या करेगा, बी के को डिवाइड करेगा, तो काम खत्म हो गया आपके पास। काम क्या हो गया, खत्म हो गया आपके पास, इतने हमने प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट देख लो, ए बी को डिवाइड करता है तो लैम्डा ही लैम्डा बी को डिवाइड करेगा, यहीं से करवा देता हूँ आपको, यहीं से इसी स्टेप के अंदर से, लाइक आपका जी वाला स्टेप है ना, जी वाला स्टेप है, इस स्टेप को नीचे लेकर आओ, अब इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, बी लैम्डा इज इक्वल टू ए इंटू लैम्डा इंटू सी कर दो। अब इधर आपने ये ए लैम्डा को एक मानकर चलना, ठीक है, मान लो ये एक है और ये सी आपका कॉन्स्टेंट है। अब ये जो है ए एम लैम्डा का, ये तो फैक्टर है आपका राइट हैंड साइड के साथ, तो राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो विच इम्प्लाइज ए लैम्डा आपका डिवाइड करेगा बी लैम्डा को भी करेगा, कब, जब हमारी जो ए है बी को डिवाइड करें, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो रहा है। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स क्या है कि ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को करता है, तो ए आपका सी को करेगा डिवाइड। जी हमने जहां पर थर्ड पार्ट के अंदर शो करना है, क्या हमारे पास ए बी को कर रहा है, बी सी को, हमने शो करना है कि ए हमारा सी को भी डिवाइड करे। अरे वाह, ए सी को डिवाइड कब करेगा, क्वेश्चन मार्क माइंड के अंदर बत्ती जगानी चाहिए। ए सी को डिवाइड कब करेगा, जब हम जे शो करते हैं कि सी क्या है, मल्टीपल ऑफ ए, जहां पर कोई ना कोई कॉन्स्टेंट, मान लो आप एल शो कर देंगे, कि जब भी आप इस प्रकार से शो करेंगे कि सी इज इक्वल टू ए एल, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि ए आपका सी को डिवाइड करेगा करेगा, ये आपके दूरदर्शी है कि आपने पहले से अनुमान लगा लिया कि हमें प्रूव क्या करना। अब जो गिवन है, अब जहां से आपका ए बी को डिवाइड करता है तो देयर फोर देयर एग्जिस्ट, हम लिख लेते हैं के वन एंड के टू, आपके पास दो इंटीजर्स होंगे, एंड सच दैट, जहां से क्या आ जाएगा आपको फर्स्ट पार्ट से, जो बी रहेगा वो इज इक्वल टू ए इंटू के वन रहेगा, और सेकेंड पार्ट से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास, सी इज इक्वल टू बी इंटू के टू रहेगा। अब प्रूफ क्या करना है, सी चाहिए तो सी तो मेरे पास है, इधर बी है ना, तो बी की जी वाली वैल्यू जहां पर सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, ए के वन इंटू के टू आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए, अब ये दोनों तो इंटीजर है, ए को नाम कर दो एल कर दो, के वन के टू इज इक्वल टू आपका एल रहेगा। अब जहां पर आ चुका आपका ए, और ये आपका बिलोंग करता है इंटीजर को, ये भी लिख दो। अब इधर ए आ गया तो इसका मीनिंग ए आपका राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, विच इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ए आपका सी को भी डिवाइड करेगा, हेंस प्रूव्ड। तो कितने आसान रहते हैं ना, जो प्रूव करना वो पहले से सोच लो, थोड़ा सा और पॉलिश करते हैं आपकी नॉलेज को, थोड़ा सा और पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। देखो बीच में सांस लेने का है, पता नहीं मैं भूल जाता हूँ कि सांस कब लेना कितना नहीं लेना है, तो मेरी अभी स्पीड है कि वो काफ़ी आसान से टॉपिक है, अब हम इनको आसानी से करें और जल्दी से खत्म करें, ठीक है। तो एक दो इसके जो पार्ट्स है वो और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखो
अब इसके बाद आता हमारा फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब जो देखो कितना अच्छा सा है। अब ये वाला पार्ट मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं करवा, हाँ चलो करवा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है आपका, कि सी ए को भी डिवाइड करा, सी बी को भी डिवाइड करा। हमने शो करना है कि सी हमारा डिवाइड करे ए प्लस माइनस बी को। जी हमने शो करना, जी हमने शो करना स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर गिवन है तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई, डेफिनेशन देयर दिस के वन बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड सिमिलरली आपके पास जहाँ से आ जाएगा के टू बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, सच दैट ये आपकी जो ए है वो कैसी होगी, मल्टीपल ऑफ सी होगी, दैट इज इस प्रकार से। और जहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इज इक्वल टू आपका सी इंटू के टू आ जाएगा। अब आइडिया क्या करना है कि नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें स्टूडेंट्स वो भी सोच लो। प्रूफ क्या करना है, जी मैंने प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, ये प्रूफ कैसे होगा कि जो आपकी राइट हैंड साइड में है ए प्लस माइनस बी, ये किसी प्रकार से आप इसको डिवाइड करना, तो किसी प्रकार से जो डिवाइड करे सी इंटू सम एल हो जाए, इस प्रकार से हो जाए तो आपका हो जाएगा, ठीक है। मेरा टारगेट ये है, अब मेरे पास तो इसे बनाना पड़ेगा ना, मेरे पास ए भी है बी भी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कर दो प्लस माइनस कर दो, दोनों को लेफ्ट के अंदर और राइट को जो आपके पास राइट के अंदर करवा दो, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका आ जाएगा ए प्लस माइनस बी, सी कॉमन आ जाएगा, अंदर के प्लस माइनस के टू आ जाएगा, ठीक है। और उसका आंसर कुछ ना कुछ तो आंसर उसका रहेगा ही आपके पास, तो इसको हम एल कर सकते हैं, वेयर एल इज इक्वल टू के वन प्लस माइनस के टू बिलोंग्स टू इंटीजर है। अरे वाह, सी जहाँ पर दिख गया तो बिच एम्प्लाई आपका सी क्या करेगा, डिवाइड करेगा राइट हैंड साइड बिच इक्वल टू लेफ्ट, तो ये आपका हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। ये देखो कितना आसान था। अब इसी के साथ यदि हम नेक्स्ट की बात करें, जी वाला कि आपका सी ए को डिवाइड करता है, सी बी को करता है, तो सी डिवाइड करेगा एम ए प्लस एन बी को भी करेगा, या करेगा या नहीं करेगा। अब इतना देख लो, एम ए और एन ए की बात करी, एम ए और एन एन ए, इसी के अंदर मैं आपको करवा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी सोचोगे यार कितना आसान। हमें यहाँ पर सी को डिवाइड कराना है एम ए प्लस एन बी के अंदर। जी मैंने नेक्स्ट वाला कर दिया स्टार्ट, ठीक है। एक मिनट मेरे को पेन चेंज करें हमारा, जी मैं करवा के देता हूँ। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट वाले को करना है हमने, ठीक है। ये दोनों हमारे को एज इट इज गिवन है, तो जी हमने ऐसे रखे हैं कि देयर विस्ट दिस एंड दिस आ गया। अब इतना तो आपका सेम चलेगा, अब इसके बाद जो आपका जी वो मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला मेरे को नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और ये हमारा लास्ट में हो गया। अब आपको चाहिए क्या वो देखो, हमें चाहिए एम ए प्लस एन बी चाहिए, तो हमें वो बनाना पड़ेगा, तो वो ही हम यहाँ पर करेगा। कैसे करेंगे इसको, अब ये जो ए है ना, इसको अपने एम से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ इस प्रकार से, यहाँ पर एम लगा दो, और बी आपका एन चाहिए तो यहाँ पर एन बी लगा दो दोनों तरफ, तो एन ए लगा दिया। अब ये जो ना के वन इंटू एम है आपका, और इधर के टू इंटू एम है, इसको नाम कुछ भी आप कर सकते हो, लाइक अब इसको एल वन कर दो, एंड इधर एन वी इजिकल टू आप सी इंटू एल टू कर दो, लिख देना कि एल वन इतना है। तो इसका मीनिंग क्या कर रहेगा आपके पास, कि ये जो आपकी सी है ना, अब इन दोनों को ऐड भी कर लो ना, ए एम प्लस एन बी को जब आप ऐड करोगे तो ए एम आपका एन वी इजिकल टू सी कॉमन आ जाएगी, इन साइड एल प्लस वन एल टू बचेगा, इधर आपका सी एज अ कॉमन फैक्टर, तो इसका मीनिंग क्या करेगा, तो विच इम्प्लाइज आपका सी जो डिवाइड कर रहा है ना राइट हैंड साइड को, वो ऑल्सो डिवाइड करेगा लेफ्ट हैंड साइड, ए एम प्लस एन वी को भी करेगा। तो इतना हमने आज करा, तो कैसे लगी आर्टिकल, यदि अच्छी लगी तो मेरे को बताना। ये लास्ट वाला भी आप चेक कर सकते हो, तो इसका भी सेम रहेगा कि ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी ए को भी करेगा, वो दोनों डेफिनेशन में दिखा देता हूँ आपको कैसे करेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से छोटे से खाने के अंदर आपको करवाने लगता हूँ। मान लो आपका यदि ए बी को डिवाइड करता है ना, इसका मीनिंग क्या रहेगा, बी इज इक्वल टू ए इंटू सम के वन रहेगा, और यदि बी ई को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग ए कैसा होगा, सम बी इंटू के टू ऐसा होगा। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बी आपका कैसा आ गया, ए की वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट तो वो बी इंटू के वन इंटू के टू आ जाएगा, तो बी से बी कैंसिल हो गया, वन आ गया, इसका मीनिंग के वन एंड के टू की जो प्रोडक्ट है वो वन आनी चाहिए, वो वन आनी चाहिए, वो वन आनी चाहिए। तो जी कब आएगी, जी स्पेशल केस इसके अंदर बनेंगे कि यदि आपके पास के वन एंड के टू दोनों प्लस रहेंगे तब वो प्लस आएगा, या फिर दोनों माइनस आएंगे तो फिर माइनस आएगा, ठीक है। जहाँ से यदि आप केस वन करेंगे तो जहाँ पहला केस बनेगा कि के वन इज इक्वल टू के टू इज इक्वल टू आपका वन होना चाहिए, वन आना चाहिए, तो दोनों हमने पॉजिटिव रख लें, दोनों को इक्वल रख लें और पॉजिटिव रख लें, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो कर लिया आपने कि दोनों इक्वल टू वन है, जब वन होगा तो आपने के वन और के टू को जहाँ पर भी पुट करना है, तो ऊपर से आपके पास क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। और केस टू के अंदर स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, कि आपको टोटल क्या चाहिए रहेगा ना,
आपको वन चाहिए तो इधर आप के वन और के टू दोनों को यदि -1 भी रखते हो तो -1 आपका प्लस ही रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और जैसे आप इधर आप रखोगे इधर माइनस, तो आपका बी माइनस ही हो सकता है या फिर ए आपका माइनस हो सकता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इधर से आपके पास आ जाएगा ए की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस बी, ऊपर आई थी ए की वैल्यू बी, इधर आ गई ए की वैल्यू माइनस बी, इसका मीनिंग क्या होगा, ए आपका इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस बी हो जाएगा। तो जी हमारी आज की एग्जाम्पल थी, ठीक है। तो होप सो आपको जी आर्टिकल्स करने का जो वे है वो अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट दे सकते हो, आप अपना रिव्यू दे सकते हो हमें, ठीक है, कि कैसा हम कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हो। और स्टूडेंट्स आप लोगों के एक अच्छे ज्वाइन मतलब अनाउंसमेंट रहेगी कि ज्वाइन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा होम पेज पर हमारे चैनल के ऊपर, यदि नहीं देखा तो आप एक बार विजिट कर लो हमारे चैनल पर। इसके अंदर आपको 3 पर्क्स मिल जाती है, 159, 199 एंड 599, ठीक है। तो आप किसी भी एक को बाय करके आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है। जी भी आपके लिए रहेगा और जी भी इसका फायदा क्या रहेगा, इसके अंदर विभिन्न आपको स्कीम मिल जाती है, जैसे आप 159 रहेगा जो बहुत कॉमन रहता है, इसके अंदर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाती है, इसके अंदर आपको ज़्यादा स्पेशल मिल जाता है, जैसे आपको पर्सनल कोचिंग की तरह भी हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हम आप हमें हेल्प कर पाएंगे और हम आपको और बेहतर हेल्प दे पाएंगे, ठीक है। क्यों, बिकॉज काफ़ी वीडियोस रहते हैं जो कि हमारे चैनल पर ओनली फॉर मेंबर्स है, बिकॉज मेंबर्स ने इसको वाई करा तो हमें उनके लिए वीडियो बनाता हूँ तो सिर्फ वही देख पाएंगे, ठीक है। यदि आप भी पार्ट बनना चाहते हैं मेंबर्स का तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9464931694 पर, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना व्हाट्सएप पर इसके ऊपर मैसेज करोगे, व्हाट्सएप ओनली टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। आप डायरेक्ट इसके ऊपर कॉल नहीं कर पाएंगे, सॉरी वो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप मेरे को बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम रहेगी और कौन सा चीज़ आप बाय करना पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।